यार एक काइन मास्टर में वीडियो ट्रिम कैसे करूँ, मुझे तो बेसिक भी नहीं आता। क्या आपके दिमाग में भी यही सवाल आ रहे? देन दिस वीडियो इज परफेक्ट फॉर यू, सो वॉच टिल द एंड। तो सबसे पहले काइन मास्टर को ओपन करो और वीडियो को इंपोर्ट कर लो। तो सबसे पहले वीडियो को सिलेक्ट करो और ये जो आपको रेड वर्टिकल लाइन दिख रही है जिसे प्लेहेड कहते हैं, उसे हम यूज़ करेंगे एक मेजरिंग पैरामीटर की तरह। अगर आपको प्लेहेड के लेफ्ट वाला पार्ट रिमूव करना है तो आप फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करोगे। सिमिलरली अगर मुझे प्लेहेड के राइट वाला छोटा सा पार्ट मुझे रिमूव करना है तो मैं इसमें सेकेंड वाला ऑप्शन चूज़ करूँगी। तो फर्स्ट वाला हम वीडियो को सिलेक्ट कर लेते हैं और इस स्केची के आइकॉन पर जाते हैं और प्लेहेड को एडजस्ट कर लेते हैं। प्लेहेड के राइट वाला पार्ट मुझे रिमूव करना है, देन मैं सेकेंड वाला ऑप्शन चूज़ करूँगी, ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड। तो यू कैन सी वीडियो का राइट वाला पार्ट रिमूव हो चुका है। अगर हमें वीडियो को स्प्लिट करना है तो जहाँ पे प्लेहेड है वहाँ वीडियो स्प्लिट हो जाएगा, तो आपको प्लेहेड एडजस्ट करना है और थर्ड ऑप्शन जो कि स्प्लिट एट प्लेहेड, उस पर क्लिक कर देना है तो आपका वीडियो डिवाइड हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन पे जो है स्प्लिट एंड इंसर्ट फ्रीज फ्रेम, जिसका इस्तेमाल आप तब कर सकते हैं जब आपको वीडियो स्प्लिट भी करना है और वीडियो का स्पेसिफिक पार्ट आपको पॉज चाहिए। तो हम वीडियो को सिलेक्ट कर लेते हैं और फोर्थ वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, स्प्लिट एंड इंसर्ट फ्रीज फ्रेम, देन हमारा वीडियो स्प्लिट हो चुका है। देन मैं आपको प्ले करके दिखाती हूँ। तो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट, देन यहाँ है वीडियो पॉज हो चुका है हमारा, देन ये पार्ट टू ऑफ द वीडियो। सो दैट्स इट फॉर द डे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।